वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ एंड हेल्दी जरूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले चाट की रेसिपी। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर जरूर करना चाहिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए तो प्लीज जज मत करिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और कुछ सजेशंस होंगे तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलें एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ छोले चाट। तो गाइज यहाँ देखिए सब कुछ मैंने कट कर लिया है। यहाँ है लहसुन जिसको मैंने पतला पतला छोटा छोटा कट कर लिया है। देन यहाँ पे है प्याज, यहाँ पे है ग्रीन चिली, यहाँ पे है टमाटो। तो ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको तीखा चाहिए उतना हिसाब से, सॉरी मीठा बोल रही हूँ, तीखा जितना आपको आपके हिसाब से चाहिए उतना आप ले लीजिएगा। यहाँ पे है धनिया की पत्ती जो कि मैं यूज करूंगी छोले बनाते टाइम पे और फिर हम इसको छोले चाट में भी यूज करेंगे। देन यहाँ पे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये चटनी आज मैंने फर्स्ट टाइम घर पे बनाई है। यस, तो आज मैंने बना ही लिया, फाइनली फर्स्ट टाइम बनाया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इसकी भी रेसिपी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके साथ यहाँ पे है मेरे बॉइल्ड आलू, इसको मैंने बॉईल करके इसके छिलके निकाल लिए। ये है मेरा काबुली चना और बस ये ठंडा हो चुका है। एंड देखिए काफी गर्म है, एक मिनट रुके, ये देखिए काफी अच्छे तरीके से ये हो चुका है। तो बस चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा चना जो एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने रख दिया है तो वो भी हम यूज कर लेंगे, ना कि वेस्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा सब रेडी हो चुका है और अब मैं जाती हूँ छोले चाट बनाने। पहले हम बनाएंगे छोले एंड फिर बनाएंगे चाट। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी और फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा बनाऊं। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल, बस थोड़ा सा ऑयल हमें ऐड करना है यहाँ पे, ज्यादा नहीं। देन यहाँ पे हम डाल रहे हैं जीरा, जीरे को हमें जलाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद मैं यहाँ देखूंगी इमली का पल्प जो मैंने बनाया है, इमली का जो रस आप देखिए, मैंने इसको पहले भिगो के रखा था इमली को और फिर उसके बाद मैंने भिगोने के बाद इसको एक इसके सारे बीज निकाल के इसको मिक्सी जार में पीस लिया। उसके बाद इसको मैंने छान लिया ताकि ये प्रॉपर बने, इसमें कोई लम्स ना रहे और कोई छिलका वगैरह कुछ ना रहे। इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर, इसको मैं स्लो फ्लेम में ही बनाऊंगी ताकि ये जले ना। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो ये देखिए ऐड कर दिया है मैंने गुड़ और अभी ये गुड़ को हमें तब तक इस तरीके से इसे चलाते रहना है जब तक कि हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए और पक ना जाए। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बनाई है इमली की खट्टी मीठी चटनी, बट मुझे बनाना था छोले चाट तो उसके लिए इमली की चटनी चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं एंड रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक क्योंकि हमें खट्टा मीठा बनाना है, तो थोड़ा सा नमक और यहाँ पे इमली की जो इमली का जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा शुगर। तो मैं यहाँ पे 2 स्पून के अराउंड शुगर ले रही हूँ एंड देन इसको हम मिक्स करेंगे। अभी इसका कलर आ रहा है, बस हमें एकदम थिक और एकदम पतला दोनों नहीं करना है, मीडियम रखना है। हाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे तरीके से पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है और ये देखिए आप देखिए कितना प्रॉपर बनना है। फर्स्ट टाइम है तो चलिए ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है, बट यस ये देखिए इसको हम स्टोर करके रख भी सकते हैं। मैंने इतना ज्यादा नहीं बनाया, मैंने आज के हिसाब से बनाया, आप अगर ज्यादा बनाएं तो इसको
स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा नमक, जीरे का तड़का देके और बस यहाँ पे मेरी तैयार है खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो गाइज़ हमने रेडी कर ली है अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी और हम जल्दी से बना लेते हैं अपने छोले चाट। तो मैंने अब यहाँ पे अपनी कढ़ाई रख दी है, अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं। गाइज़ यहाँ हम ऐड कर रहे हैं जीरे को हमें थोड़ा सा जीरा, जैसे ही हमारा हो जाए वैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। प्याज के बाद यहाँ पे डालेंगे साथ में लहसुन, एंड फिर इसको जब तक हमारा प्याज अच्छे तरीके से लाल नहीं हो जाता या फिर एकदम कहें कि अच्छे तरीके से पक नहीं जाता तब तक हमें इस तरीके से चलाना है। गाइस यहाँ पे मैं अपने जो मैंने छोले को बॉईल करके रखा है यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू। इसको हाथों से मैं मिक्स करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ, इससे छोले बहुत अच्छे बनते हैं। गाइस यहाँ पे पक चुका है हमारा प्याज अच्छी तरीके से, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, अब हम यहाँ ऐड करेंगे टमाटो। मैं यहाँ पे कोई भी सूखा मसाला या खड़ा मसाला ऐड नहीं करूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि मैं किस तरीके से मसाले को ऐड करूंगी। मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और छोले मसाले को पानी में भिगो के 5 मिनट तक रख दिया है, वही मैं अभी ऐड करूंगी, वो अभी आपको दिखेगा। गाइस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेसन। अब आप पूछेंगे कि बेसन क्यों डाल रही हो, तो बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले का, एंड इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है ताकि बेसन हमारा नीचे लगे ना। गाइज यहाँ पे हमारा पक चुका है टमाटर, जो भी हमने टमाटो लिया है, प्याज लिया है, बेसन लिया, वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब ये देखिए मैंने ये बनाया है मसाला, सारे मसालों को यहाँ पे मैं कोई खड़ा मसाला यूज नहीं कर रही हूँ, तो जो भी मेरा छोले मसाला था, हल्दी थी और थोड़ी सी लाल मिर्च, उसको मैंने पानी में 3-4 मिनट के लिए भिगो के रखा था, तो वो बस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो गाइस देखिए किस तरीके से हमारे मेरे मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काबुली चना बॉईल किया है और उसमें जो मैंने आलू डाला है, तो वो दोनों हम साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे। गाइस यहाँ पे हम जो पानी है उसी के साथ यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो गाइस देखिए अब हमने इसको पूरा मिक्स कर दिया है, अभी हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे एंड उसके बाद देखिए कलर तो काफी अच्छा आया है। बस अब हम इसको 2-3 मिनट तक पकाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे छोले ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। नमक मैंने काबुली चने को उबालते वक्त ही डाल दिया था, इसलिए मैं अलग से नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। तो गाइज ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है एंड कितना परफेक्ट लग रहा है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी धनिया। तो ये हमने ऐड कर दिया धनिया और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और जब फैमिली मेरी टेस्ट करेगी तब पता चलेगा कि कैसा बना है। तो बस जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाते हैं, छोले मैंने बनाए हैं तो छोले का एक्सपीरियंस है, बट मैंने जो चाट है वो मैं पहली बार बनाने वाली हूँ, तो देखिए छोले का तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा और चाट अब बनाएंगे तो पता चलेगा। चलिए गाइज अब हम बनाते हैं छोले चाट और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं छोले। तो गाइज ये है हमारे छोले, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो मैंने आलू को बॉईल किया था वो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। देन उसके ऊपर मैं डालूंगी दही, ये खट्टी मीठी दही है देखिए। देन मैं उसके बाद ऐड करूंगी ये इमली की चटनी जो कि मैंने आज खुद बनाई है घर पे और ये टेस्ट। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा प्याज
देन थोड़ा सा टमाटो, अब थोड़ा सा यहाँ पे धनिया, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे और चटनी, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ रेडी है मेरी चाट, और चलिए अब हम इसको ग्रीन चिली से डेकोरेट करते हैं, और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। रेडी हो चुका है मेरा छोला चाट या छोले चाट, और साथ में मैंने आपके साथ शेयर की है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।